नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीन नेचर लाइव। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई यदि आप बिगनर्स हैं और गोल्ड फिश रखना चाहते हैं तो गोल्ड फिश में आप कौन सी वैरायटी रखना आपके लिए बेहतर होगा, भाई इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखो, यदि आप गोल्ड फिश में, क्योंकि आजकल भाई गोल्ड फिश में इतनी वैरायटी आ रही है कि आप यदि किसी शॉप पर जाओगे, बड़ी शॉप पर, तो कुछ गोल्ड फिशों को देखकर आप बता भी नहीं सकते कि भैया गोल्ड फिश कौन सी है, क्योंकि लोग मिक्स ब्रीड तैयार करने लग गए। मतलब उसकी प्योर ब्रीड तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसकी मेन ब्रीड क्या है जो गोल्ड फिश से तैयार की गई है। भाई ये मिक्स कर करके इतने रेयर कलर की और शानदार गोल्ड फिश तैयार करने लग गए लोग कि भाई जो अपनी कॉमन गोल्ड फिश आती है उसकी तो वैल्यू भाई बहुत मार्केट में नीचे, ये समझो आप, गिर गई इतनी, क्योंकि वो फैंसी गोल्ड फिशों ने इनको थोड़ा डाउन कर दिया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि भैया यदि आप बिगनर्स हैं तो आप कौन सी फिश रखें गोल्ड फिश में। केवल भाई मैं दूसरी फिशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल गोल्ड फिश की बात कर रहा हूँ कि यदि आप बिगनर्स हैं तो गोल्ड फिश में आप भाई कॉमन गोल्ड फिश रखें पहले, क्योंकि वो थोड़ी फिश है, वो थोड़ी हार्ड आती है। बाकी फैंसी गोल्ड फिशों से, फेंटल वगैरह जो भी गोल्ड फिश आती है उनसे थोड़ी हार्ड पड़ती है वो, और अच्छे खासे वातावरण में सर्वाइव बढ़िया कर जाती है। क्योंकि दूसरी गोल्ड फिश यदि आप लाना चाहोगे तो आप बेशक से उन्हें पाल सकते हो, लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भैया आप शुरू में बिल्कुल ना पालें, क्योंकि जो भी फैंसी गोल्ड फिश आती हैं, जो ज़्यादा फेंटेल वगैरह जो भी आप समझ सकते हैं दूसरी, क्योंकि मार्केट में एक से बढ़कर एक रेयर कलर की शानदार शानदार फिनों वाली इतनी गोल्ड फिशें हैं जो न तो ओरंडा हैं, न रेंचो हैं, न वो गोल्ड फिश हैं, सबकी पता नहीं भाई मिक्स ब्रीड तैयार करके ऐसी शानदार आपको हाइब्रिड देखने को मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो रेट में भी भाई ऊंचे रेटों में मिलती हैं, बस वो दिखने में शानदार होती हैं। जबकि भाई मेरे मानना है कि वो कॉमन गोल्ड फिश से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भाई कम होती है। आपके मतलब पानी वगैरह का वातावरण या बैक्टीरिया वगैरह, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है उन गोल्ड फिशों का, क्योंकि बहुत सी जो मिक्स ब्रीड आती हैं वो तो ऐसे आती हैं जब आप पानी चेंज करोगे ना, यदि आपने थोड़ा सा भी गलत तरीके से यदि पानी भी चेंज कर दिया तो वो मछलियाँ ही बीमार पड़ जाती हैं। लेकिन कॉमन गोल्ड फिश में ये शिकायत बहुत कम है, क्योंकि ये ज़्यादातर बीमारियों से भाई ये लड़ लेती है कॉमन। तो बाकी मछलियों में मैंने ये देखा कि भाई वो बीमारियों से कम लड़ती हैं वो। अब यदि आप बहुत टाइम से मछलियाँ पाल रहे हैं, आपको पूरा अनुभव है, तो हाँ आप दूसरी मछलियाँ भी बिल्कुल रख सकते हैं, जो भी फैंसी फेंटल वगैरह जो भी आती हैं। अब आप मेरे पास देख लीजिए, जो ये नर है, ये देखिए, ये गोल्ड फिश का फेंटल एक शानदार नर है भाई, ज़बरदस्त दिखता है। लेकिन ये बता दूँ कि ये भाई तैरने में भी धीमा है कॉमन गोल्ड फिश से, और थोड़ा नाजुक भी है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों का लगना खतरा भी रहता है। और ये जो मेरे दूसरी फीमेल आप देख रहे होंगे गोल्ड फिश, ये देखो, ये कॉमन की ब्रीड है भाई, ये प्योर कॉमन तो नहीं है, ये भी आपको देखने में लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ये फेंटेल मिक्स है, आप फिनों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, पीछे वाले डबल ट्रिपल फिन है इसके, लेकिन है छोटे, यानी थोड़े कॉमन वाली से मिक्स ब्रीड है ये। लेकिन ये जो फीमेल है ये बढ़िया है, बाकी अदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता में, तैरने में भी तेज है। तो भाई मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप यदि बिगनर्स हैं और एक्वेरियम शॉप पर जाएं, आपको एक से एक देखने को मिले सुंदर, और आप ये सोचें कि भाई हम तो वो लेके चलें, आप बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन यदि आप शुरू में ये मछलियाँ पाल रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आप कॉमन गोल्ड फिश पालें, क्योंकि आप थोड़ा बहुत उनका केयर नहीं भी करोगे तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगी, और कुछ दिनों के बाद आप भाई खुद ही अनुभवी हो जाओगे, तो आप सभी मछलियों को रखने में रख सकते हो, इतने हो जाओगे आप, आपको अनुभव हो जाएगा ऐसा। तो मैं आपको भाई कॉमन रखने की सलाह दूंगा। बाकी कॉमन थोड़ी मतलब कॉमन फिश ही लगती है भाई, देखने में थोड़ी कम सुंदर लगती है, बाकी फेंटाइल रेंचो और ओरंडा वगैरह जो भी आती हैं उनसे थोड़ा देखने में सुंदर कम लगती है वो, लेकिन वो उनकी बजाय ज़्यादा हार्ड होती है। मैंने भी शुरुआत में जब ओरंडा पाली तो भाई बहुत सी ओरंडा गोल्ड फिश मैंने एक्वेरियम में मर ही गई थी मेरे, क्योंकि मेरे को रखना नहीं आता था, बस सुंदरता की वजह से, ऐसा कलर वैसा कलर, भाई महंगी भी आती हैं और हम उनको अच्छी तरह से रख भी नहीं सकते।
और कुछ दिनों के बाद तो भैया हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि हमें अनुभव हो जाता है हर मोमेंट का, पानी के टेम्परेचर वगैरह का सब जो भी। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही कि बिगनर्स यदि भाई रखना चाहें तो मैं सलाह दूंगा कॉमन गोल्ड फिश पालने की। उसके बाद यदि लाना चाहते हैं तो फेंटेल ले आएँ, फेंटेल भी बढ़िया करती है। लेकिन बाकी यदि हाइब्रिडों में आप जाते हैं, ओरंडा की हाइब्रिड में यदि आप जाते हैं, दिखने में अलग कलर वाली उनमें जाते हैं, तो भाई उनमें थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है।